हेलो गाइस, आज हम सीखने जा रहे हैं डेकोपेज आर्ट, जिसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल ये है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ। ये डेकोपेज पेपर है, फेविकॉल, थ्रेड, बॉटल, ये जो है मॉड पॉच है और प्राइम कोट है। ये मटेरियल हमको लगने वाला है एक डेकोपेज आर्ट करने के लिए, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाली हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ये थ्रेड जो है ये नॉर्मल थ्रेड नहीं है, ये थोड़ा सा थिक थ्रेड है। ये मैंने इट्सी बिट्सी से लाया है। इट्सी बिट्सी शॉप सभी मेट्रो सिटीज़ में रहे तो आप एक बार चेक कर लेना आपकी सिटी में ये शॉप है क्या। अगर नहीं है तो भी कोई ये नहीं है, आपको बस मोटा वाला थ्रेड यूज़ करना है यार्ड बनाने के लिए। तो अभी इसका जो कवर था ये निकाल दिया है मैंने, इसको क्लीन कर लिया है। ओके, इसके ऊपर हमें इसको राउंड राउंड इसको लपेटते जाना है। थोड़ा देर में बॉटल के ऊपर मैंने फेविकॉल को लगाया है। अभी मैं थ्रेड को बॉटल के ऊपर लगाते जाऊंगी। ऐसा पूरा बॉटल कवर करना है थ्रेड लगाकर। मेक श्योर कि दो थ्रेड के बीच में कोई गैप ना रहे। ऐसे पूरा बॉटल आपको लपेट के लेना है धागे से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम डेकोपेज आर्ट में अभी आगे बढ़ेंगे। ये बॉटल हमने कल रात को ये थ्रेड हमने पेस्ट करके दिखाया था आपको किस तरीके से करना है। सो इस तरीके से आपको थ्रेड को लगा के लेना है पेस्ट करके, और इसको अच्छे से ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। डेको मैजिक प्रीमियम ग्लू है ये मैट है और सेम आपको ग्लॉस में भी मिलेगा। इन दोनों को हम यूज़ करने वाले हैं अभी, इन दोनों में से एक यूज़ करेंगे। एक्चुअली मुझे ग्लॉसी अच्छा लगता है तो मैं ग्लॉस यूज़ करने वाली हूँ। ओके, डेको पेज में हमको लगता है टिश्यू पेपर थोड़ा हमें लगेगा, इसके लिए ब्रश भी लगेगा अप्लाई करने के लिए। पहले हम इसके ऊपर पेपर स्टिक करके लेंगे एंड देन हम रिमेनिंग कलर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। ये इस तरीके से निकलता है, एक मैं करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हमें जितना पार्ट चाहिए उतना लेना है। पहले तो मैं इसको निकाल देती हूँ। इस तरीके से निकलेगा टिश्यू पेपर और ये हमारा जो डेको पेज के लिए हमें यूज़ करना है वो वाला पेपर है। अब इसको हमें कट करना है। हमें जितना पार्ट चाहिए है उतना पानी लगा के लो। अब इसको हमें कट करने में आसानी होगी, ये नेचुरल वे में कट होगा। जो पार्ट हमें नहीं चाहिए वो हम पानी लगा के हम
क्या करना है, यहाँ पे आपको डेको पेज को लगाना है। पैलेट ले लेती हूँ, इसमें ये मॉड पॉज ले रही हूँ, ये मैट है, फ्लैट ब्रश ले लो अच्छा, और ये मॉड पॉच पहले हमें पेपर का सेंटर हमको देखना है, और इस सेंटर को हमें मॉडपॉच हम लगाएंगे। इसमें रिंकल ना आए इसका ख्याल आप रखें, उसी तरीके से आप इसको पेस्ट करें। थोड़ा क्लोज व्यू दे रही हूँ मैं आपको, ये जो थ्रेड पे है इसको बहुत अच्छे से आपको प्रेस करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको पूरा
टिश्यू पेपर यहाँ पे लगा के लेना है। ऐसे सारे कॉर्नर्स आपको फिट करके लेने हैं। फिट नहीं, फिक्स। ऐसे सारे कॉर्नर्स आपको फिक्स करके लेने हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा ग्लॉस मीडियम ले रही हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर हमें इसको फिक्स करके देना है। दोस्तों दो चार टिप्स देना चाहती हूँ आपको। ये जब पूरा ड्राई हो जाएगा आपको तभी इसको आप टच करना, अदरवाइज ये टिश्यू होने के कारण ही तुरंत स्किन को अपने चिपक के निकल आता है। तो जब तक ये ड्राई नहीं होता तब तक आप कलरिंग वाला स्टेज नहीं करोगे। जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया है। एक्रेलिक कलर यूज कर रहे हैं इसके लिए। थोड़ा लेमन येलो ले रही हूँ मैं। यहाँ बॉटम में भी थोड़ा कलर करेंगे हम, थोड़ा डार्क कलर करेंगे। थोड़ा ब्लैक एक्रेलिक लेके हम बॉटम में तरीके से हमने इसको पूरा कलर कर लिया है। नाउ हम जाएंगे इसको डेकोरेट करने। Thank you.